ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। दोस्तों, वैसे तो भारत समेत दुनिया भर में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, आपको किसी ना किसी देवी देवता का मंदिर या उससे जुड़ी चीज़ों का मंदिर मिल ही जाएगा। लेकिन एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया में बेहद ख़ास मंदिर है। इस मंदिर का रहस्य इसे और भी ज़्यादा ख़ास बनाता है। यह मंदिर सागर के एकदम पास है और एक बड़ी सी चट्टान पर बना है। कहते हैं इस चट्टान का निर्माण हजारों साल के दौरान समुद्री पानी के ज्वार से हुए क्षरण से हुआ है। इस अनोखे मंदिर के बनने की कहानी भी बेहद रोचक है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। इस मंदिर को तन्हा लोत मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये इंडोनेशिया के बाली में है। स्थानीय भाषा में तन्हा लोट का मतलब समुद्री भूमि यानी ऐसी जगह जो समुद्र के अंदर हो होता है। यह मंदिर बाली में सागर तट पर बने उन 7 मंदिरों में से एक है, जिन्हें एक श्रृंखला के रूप में बनाया गया है, जिसकी खासियत ये है कि हर मंदिर से अगला मंदिर एकदम साफ दिखाई देता है। यह मंदिर जिस पत्थर पर टिका है वो 1980 में कमजोर होकर धीरे धीरे झड़ने लगी, जिसके बाद मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर दिया गया। बाद में जापान की सरकार ने इसे बचाने के लिए इंडोनेशियाई सरकार की मदद की, तब जाकर चट्टान के लगभग 1/3 हिस्से को कृत्रिम चट्टान से ढककर एक नया रूप दिया गया, यानी एक असली चट्टान के ऊपर एक कृत्रिम चट्टान लगा दी गई। मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि तन्हा लोत मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में निरर्थ नाम के एक पुजारी ने कराया था। समुद्र तट के किनारे किनारे चलते हुए वो इस जगह पर पहुंचे थे और जिसके बाद इस जगह की सुंदरता उन्हें खूब पसंद आई। वो रात भर यहाँ ठहरे भी थे। उन्होंने ही आसपास के मछुआरों को इस जगह पर समुद्र देवता का मंदिर बनाने का आग्रह किया। मंदिर में पुजारी निरर्थ की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माओं और बुरे लोगों से इस मंदिर की सुरक्षा इसकी शिला के नीचे रहने वाले विषैले सांप करते हैं और इसी वजह से ये मंदिर अपने आप में काफी खास है। कहते हैं पुजारी निरर्थ ने अपनी शक्ति से एक विशाल समुद्री सांप को पैदा किया था, जो आज भी इस मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वो सांप है या नहीं, लेकिन वहां के लोगों का यही मानना है कि आज भी उस विषैली चट्टान के नीचे वो समुद्री सांप है, जो मंदिर की रक्षा आज भी उसी तरह से कर रहा है जैसे वो पुजारी निरर्थ के समय पर किया करता था। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।